विदुर नीति 8वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये तीन कार्य ब्रह्महत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और अतम प्रशंसा, ये तीन विद्या के स्त्रु हैं। आलस्य, मद मोह, चंचलता, गोष्ठी, उदंडता, अभिमान और लोभ, ये सात विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले, और विद्या चाहने वालों के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें, और विद्या चाहें तो सुख का त्याग करें। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की, और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज स्मृति को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को, और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। बकरियां, कांसे का पत्र, चांदी, मधु, अरक खींचने का यंत्र, पक्षी, वेद वेता ब्राह्मण, बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्ति ग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत, मनु जी ने कहा है कि यदि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बेल, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, सालग्राम और गुरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्य जन बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख अनित्य है। जीवन नित्य है, पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धाने से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वह पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल चित्राए करुण स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काट की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ उन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्षों को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृदय और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र ज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए।
जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यक्ष प्राप्त होगा और यह लोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्रह से भरी पांच ज्ञान इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधुओं को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान, ध्यान, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पापियों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गो और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण उधर लोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे तो वह मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख प्राप्त करता है। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन, युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है, मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ। इसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।